वी वर लेफ्ट विद राउंडिंग ऑफ सिस्टम, राउंडिंग ऑफ सिस्टम रह गया था हमारा। तो अब हम राउंडिंग ऑफ सिस्टम करेंगे। राउंड ऑफ सिस्टम क्या होता है? जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं या किसी रीडिंग्स को लेते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो उनमें रीडिंग्स हमारी काफ़ी बड़ी आ जाती हैं और उन रीडिंग्स को शॉर्ट में कन्वर्ट करने का तरीका राउंडिंग ऑफ कहलाता है। सो वी विल हैव द राउंडिंग ऑफ ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो फिगर्स नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं उन्हें हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, यानी कि उनको हम किस तरह से, राउंड ऑफ का मतलब किस प्रकार से हम उनको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि हमारा आंसर छोटे डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाए। फॉर दैट वी हैव सर्टेन रूल्स डिटरमाइनिंग द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल इन दिस रिगार्ड इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन एड 1 टू इट्स फर्स्ट डिजिट। यानी कि जिस डिजिट को हमें रिप्लेस करना है, डिलीट करना है, अगर वो 5 से बड़ी है तो वो डिजिट वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी वहाँ से, वो डिजिट चली जाएगी वहाँ से। लेकिन जैसे हम उसको डिलीट करेंगे वहाँ से, तो उसकी जगह पर एक नंबर उससे पहले वाले डिजिट को ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 14.06, तो जो 6 है उस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, वी वांट टू राउंड ऑफ दैट। तो यहाँ राउंड ऑफ करेंगे इसके लिए 6 डिजिट जो है पॉइंट के बाद में, उसको जब हम ड्रॉप करना चाहें तो उसका 6 को हटाएंगे, लेकिन 6 के हटने से पहले एक नंबर उससे पहले वाले डिजिट यानी जो 0 है यहाँ पर उसमें ऐड हो जाएगा। तो आंसर है, आंसर विल बिकम 14.1। इन द सेकेंड एग्जाम्पल 28.28, द ड्रॉप डिजिट इज 8। लास्ट में जो डिजिट है 0.28, जो लास्ट में 0.8 है, उस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, तो वो डिजिट वहाँ से डिलीट हो जाएगी और डिलीट होने से पहले एक नंबर आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द आंसर विल बिकम 28.3। सो आंसर कम्स 28.3 इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इन थर्ड एग्जाम्पल 79.89, द ड्रॉप डिजिट इज 9। लास्ट डिजिट 9 को हमें ड्रॉप करना है, तो उसको ड्रॉप करेंगे तो 1 नंबर विल बी शिफ्टेड टू इट्स प्रियर डिजिट, ये बन जाएगा, आंसर विल बिकम 79.9। नाउ लेट्स हैव सेकंड रूल। द सेकंड रूल इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन इट इज डिलीटेड एज सच विदाउट एनी चेंज। अगर जिस डिजिट को हमें, लास्ट की जिस डिजिट को हमें हटाना है वो 5 से कम है, तो उसको हम डायरेक्ट वहाँ से डिलीट कर देंगे विदाउट एनी चेंज इन द रिमेनिंग डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास 31.123, तो यहाँ जो ड्रॉप डिजिट है वो है हमारी 3 लास्ट में, तो ये लेस देन 5 है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो आंसर बिकम्स 31.12। सेकेंड एग्जाम्पल 45.174, सो ड्रॉप डिजिट इज 4, 4 को हमें यहाँ से रिप्लेस करना है, सो 4 को जब हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो 4 इज लेस देन 5, इट विल हैव नो चेंज ऑन द रिमेनिंग डिजिट, सो द आंसर कम्स 45.17। थर्ड पॉइंट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर हमें जिस डिजिट को रिप्लेस करना है अगर वो 5 है, तो उसको हटाने के वी हैव 2 केसेस, तो अलग अलग मेथड हैं उसके। फर्स्ट इज इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, यानी कि 5 जिसको हमें हटाना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखो आप यहाँ इसके अंदर लास्ट में जो 5 है उसको अगर हमें हटाना है और उससे पहले अगर जो डिजिट है वो इवन नंबर है, जैसे 4, 2, 6, 8 वो डिजिट है, तो यहाँ 5 डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा और इसके पीछे के डिजिट पर कोई चेंज नहीं आएगा, देर विल नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन ऑफ द 1 पॉइंट। सो द आंसर विल बिकम, सो ड्रॉप डिजिट इन दिस एग्जाम्पल इज 5 एंड द आंसर विल बिकम, आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ नो चेंज, तो इट इज़ 2.34, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल 741.165, ड्रॉप डिजिट इज 5, बिफोर द 5 वी हैव इवन नंबर 6, सो 5 विल बी डिलीटेड एज सच विदाउट एन चेंज इन द डिजिट 6, सो द आंसर इज 741.165।
1.16. Second case, second part. If the preceding digit is odd, यानी कि 5 जिसको हमें रिमूव करना है, इस एग्जाम्पल देखो लास्ट के 5 को जो हमें रिमूव करना है, अगर उससे पहले कोई ओड नंबर है यानी कि 3, 5, 7, 9 अगर कोई डिजिट है तो वी विल राइट 1 to it, यानी कि इससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा एंड द आंसर विल बिकम ड्रॉप डिजिट इन दिस इज 5, सो द आंसर इज 2.36, लास्ट का 5, 6 बन जाएगा. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, इन सेकेंड एग्जाम्पल 42.735, द ड्रॉप डिजिट इज 5, इट विल हैव एन 1 इंक्रीज नंबर टू 3, सो द आंसर बिकम्स 42.74. नाउ द लास्ट रूल इज फोर्थ, इफ ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ मोर देन 1 डिजिट इज टू बी डिलीटेड. अब पॉइंट क्या है कि एक से ज़्यादा पॉइंट को अगर हमें डिलीट करना है, एक से ज़्यादा डिजिट को हमें डिलीट करना है, यानी कि पॉइंट के बाद में कई सारे डिजिट्स को हमें रिप्लेस करना है, तो उनको रिप्लेस करने के ऊपर वाले ही रूल काम करेंगे, ऊपर वाले रूल्स को हम लगाएंगे इसमें. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव अ वैल्यू 4.1276. अब इसके लास्ट में जो डिजिट्स हैं अगर हमें वो रिप्लेस करनी हो तो उनको रिप्लेस करने का द मेथड विल बी एज साइटेड अबव, उन्हीं रूल से हम इसमें पास करेंगे जो ऊपर सीखें. तो फर्स्ट देखिए, अब आप लास्ट में जो डिजिट है दैट इज 6 मोर देन 5, और 6 से पहले जो डिजिट है वो है, एक ऑड नंबर, तो यहाँ जो चेंजमेंट हम लाएंगे इसके अंदर 1 विल बी एडिड टू 7, 1 6 की 6 रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह एक नंबर 7 में ऐड हो जाएगा एंड द आंसर विल बिकम 4.28. अब अगर हम 4.128 को भी और राउंड ऑफ करना चाहें तो लास्ट डिजिट है 8, बिफोर इट वी हैव इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर होता है तो उसका ऊपर लास्ट डिजिट को जब रिप्लेस करेंगे तो उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा एंड द आंसर विल बिकम, आंसर इज 4.12. हेयर वी हैव अ क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डिजिट्स, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, इनमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इस आंसर्स को कैलकुलेट करना.